हमारा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है गरनाई मछली। दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता है? इसका सही आंसर है चींटी। तीसरा सवाल है, सबसे कठोर कानून किस देश में है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब देश में। चौथा सवाल है, किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है सूरत शहर को। पांचवा सवाल है, मुर्गा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका सही आंसर है श्रीलंका देश का। छठवां सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है लुम्बिनी में। सातवां सवाल है, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है थाईलैंड देश में। आठवां सवाल है, सैमसंग किस देश की कंपनी है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, बाद में आंसर देखा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया देश की। नौवां सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दसवां सवाल है, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है कृष्णा नदी में। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।